यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करने वाले हैं और थोड़ा और प्रोग्रेस करने वाले हैं गाइस। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन भी दबा देना गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे पास चेस्ट में क्या क्या रखा हुआ है अभी। तो फिर मैं अभी ये पोटैटो को इधर रख देता हूँ क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बाद में पका दूंगा उसे। और ये आयन को भी इधर ही रख देते हैं, नहीं काम करते ये सीड को इधर रख देते हैं, आयन से मैं अभी कुछ बना लूँगा। और ये एमेरल्ड को भी रख देते हैं इधर, बाद में यूज़ करेंगे लोग। और ये कॉबल स्टोन को इधर ही रख देते हैं। और क्रॉसबो को अभी मुझे चलाना आता नहीं है तो मैं सीख लूँगा, फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन। और टॉर्चे भी इधर रख देते हैं। और मैं सोचा कि एक नए चेस्ट बना लेता हूँ। नहीं गाइस, मेरे पास तो बैरल है एक, मुझे याद आ गया, जब मैंने वो पिछली वीडियो में चुराया था, अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने एक विलेज से चुराया था। क्या मैं उसे अभी कोने में लगा देता हूँ, इधर नहीं दूसरे कोने में। ओके, तो मैं भी इसमें भी सामान रख देता हूँ बाकी का, ये वाटर बकेट। ये ब्रूइंग स्टैंड को मैं अभी इधर रख देता हूँ क्योंकि बाद में हम लोग को उसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए। और बैरल में अभी क्या रख देते हैं, ब्रेड रख देते हैं, पोटैटो मैं रख लेता हूँ तेरे पास क्योंकि खाने के लिए चाहिए। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये आलू को पकने के रख देते हैं गाइस। और मैं कोल ही यूज़ करूँगा अभी फ्यूल के लिए, और जब तक ये हमारे आलू पक रहे तब तक हम लोग थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। ये प्लैंक्स का भी हम लोग इधर ही रख देंगे, अब वुल की भी ज़रूरत नहीं है उसे। ओके, तो मेरे पास अभी क्या क्या है, यही सब है। ओके, तो अभी हम लोग हमारे डॉगी को भी खाना खिला देते हैं। और मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डॉगी का नाम के लिए पूछा था, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए इसका मैं सोचा हूँ कि हम लोग इसका नाम ब्रूनो रखेंगे गाइस। जी हाँ गाइस, इसका नाम अब से ब्रूनो है, तो फिर ब्रूनो भी अब से हमारे सफर में हमारे साथ देगा। ओके गाइस, ज़ॉम्बी का ट्राइडेंट है और लेट्स गो, हमको ट्राइडेंट से जल्दी मिल गया और एक्सपी भी मिल गई, पर ट्राइडेंट के एचपी बहुत कम है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग उसे। ब्रूनो आजा इधर, क्या कर रहा है। ओके, इसमें +8 अटैक डैमेज मिलेगा, अभी मैं इसे बैरल में रख दूंगा। ओके, तो आई थिंक कि रात हो रही है इसलिए अभी हम लोग को सो जाना चाहिए और कल सुबह आएंगे हम लोग मिशन पर। गाइस ब्रूनो को बैठा देते हैं। ये दिन खत्म हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन आ चुका है और अभी हम लोग सफ़र पर जाने वाले हैं, तो फिर ब्रूनो के साथ चलते हैं। अभी पहले थोड़ी बहुत देख रहे थे कि क्या क्या ले जाने का है। और ओके, तो लीश है हम लोग के पास, ऐसे रख लेंगे और ये रॉटन फ्लैश को वापस डाल देंगे। अच्छा, ब्रूनो लीश में। ओके, तो हम लोग सफ़र के लिए जा रहे हैं गाइस, बाय बाय मेरे प्यारे घर, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। ओके गाइस, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं क्योंकि पहले जो टावर है और फिर वरना फिर से बवाल हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना माइनिंग करने जाते हैं अभी। ओ शिट, संभल के चलना पड़ेगा। ब्रूनो गाइस, ब्रूनो को ज़्यादा चोट तो नहीं आई, नहीं गाइस बहुत चोट लगी उसे, उसे ये मीट खिला देते हैं। हाँ, खा लिया उसने। ओके, तो मैं इस जगह पे पहले भी माइनिंग की है, इस जगह पे टॉर्चेस लगे हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे माइनिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इधर से करते हैं माइनिंग। लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा कॉबल स्टोन ही मिल रहा है और
मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे यहाँ पे कुछ और मिलेगा। और तो शिट यार, मैं टॉर्चेस भी नहीं लाया हूँ। ओके वहाँ पे मुझे शुगर केन दिख रहा है गाइस, और शुगर केन उससे हम ना हमारे लिए एक नई रेसिपी अनलॉक हो जाएगी गाइस। कहाँ गया वो? हाँ ये रहा, इस पेपर बना सकते हैं हम लोग, और ये बाकी की और भी चीज़ें हैं। अभी ये सारे के सारे शुगर केन ले लेते हैं और आगे चलते हैं कहीं। गाइस मेरे पास वेजिटेरियन खाना होता बहुत सारी चीज़ें हैं, पर नॉन वेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे इन सब का मानना पड़ेगा ताकि मैं डॉगी खाना खा पाए। मैं डॉगी कहाँ के वैसे, इधर ही है। ठीक है इसे मार देते हम लोग। ओके एक ही बार में इधर मर गया ये तो, और एक पिग भी था वहाँ पे, उसे भी मार देंगे हम लोग। कहाँ के गाइस वो पिग? इस पिग तो नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे एक हॉर्स है, उसे राइड करके देखते हैं एक बार। बट यार कुछ नहीं हो रहा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता गाइस इसे अभी। खैर तो अभी हम लोग घर जाके टॉर्चेस ले लेते हैं और थोड़ा और भी सामान ले लेंगे। ओके तो आ गया हमारा प्यारा घर, और ब्रूनो भी अंदर आ चुका है। ठीक है तो आलू तो हमारे पक रहे हैं अभी, और चेस्ट से सामान ले लेते थे कुछ। ओके तो सारा सामान ले लिया हम लोगों ने, और अभी मैं एक बार क्या करता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देता हूँ गाइस, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैं कहाँ पे था मेरा घर, क्योंकि हम लोग बहुत दूर जाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट्स कहाँ गए? हाँ ये रहेगा, शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर दिया हम लोगों ने। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स ये रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेते इसका, और अब कोऑर्डिनेट्स को मैं सोच रहा हूँ ऑफ कर दूँ। नहीं गैस ऑन ही ठीक रहेंगे, फिर तो हम लोग हमारे सफ़र पर चल सकते हैं गैस। ब्रूनो को लेना था, भूल ही गए हम लोग। अच्छा ब्रूनो, ओके तो हमारे एक एक्साइटिंग सफ़र की शुरुआत हो चुकी है गैस, और मैं और ब्रूनो अभी दूसरे आइलैंड से भी जाएंगे। ओके तो सबसे पहले यहाँ से दूसरे आइलैंड पर जाते हैं हम लोग। अगर आई होप कि ब्रूनो को तैरना आता होगा। हाँ वो तैर रहा है। ओके गाइस शायद से हम लोग कोई नए बायोम में आए हैं। नहीं गाइस ये तो वही वाला है। आजा ब्रूनो क्या कर रहा है? ओके एक और पिग मिल गया यहाँ पे, उसे मार देंगे ब्रूनो के खाने के लिए। ओके गाइस तो यहाँ पे बहुत सारे हनीबीज भी है, और जहाँ तक मुझे पता है ये हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक हमें, हम लोग इन्हें कुछ नहीं करते। यहाँ पे शीप भी है गाइस, मार दिया इसे भी, और इन लोग का छत्ता भी शायद इधर ही होगा, वो रहा गाइस। शिट ओके यहाँ पे एक चिकन भी मिला है हम लोग को, इसे मार देते हैं। अरे ऊपर नहीं जा पा रहा मैं, इसे जो तोड़ना पड़ेगा। ओके गाइस तो वो चिकन भी ले लिया हम लोगों ने, और मैं सोच रहा हूँ कि 20 से अभी पंगा लेते हैं गाइस। नहीं गाइस छोड़ देते हैं इस बार, नेक्स्ट टाइम से पक्का करेंगे हम लोग अगर इस वीडियो पे आ जाएंगे 20 लाइक्स। एंड आई होप कि 20 लाइक्स कोई बड़ी बात ना हो। ओके तो ब्रूनो डूब ना जाए, मुझे इस चीज़ का डर है बस। ओके गाइस तो अभी शाम भी होने वाली है, इसलिए मैं अभी अपना घर यहीं पे बना देता हूँ। कॉबलस्टोन से बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो शायद से बस बाउंड्री बन पाएगी। अरे यार ये ब्रूनो कहाँ से बीच में आ गया।
ओके, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग घर बना पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करते हैं। ओके, तो अपने घर की बाउंड्री बन चुकी है, लेकिन हम लोग पास ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है कि छत बना पाए। तो मैं अभी जल्दी से बेड रख के सोने वाला हूँ ताकि कोई मॉन्स्टर स्पॉन ना हो जाए अपने पास। हर्ष का दीवार दिन भी ख़त्म हो गया फाइनली, और अगला दिन आ चुका है। तो मैं भी क्या कहता हूँ कि सबसे पहले हमारे घर को तोड़ देते हैं और ब्रूनो को भी ठीक कर देंगे, हम लोग लीश से बांध देंगे और ब्रूनो को भी चिकन खिला देते हैं अभी। और अभी हम लोग भी पहले ये सब कुछ तोड़ देते हैं। ओके, तो अपना सारा सामान उन्होंने रख लिया अपने पास। ब्रूनो कहाँ जा रहा है? ओके, ब्रूनो को लीश कर दिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। ओके गाइस, यहाँ पे छोटा सा रैबिट है, इसे मार के देखते हैं एक बार। ओके, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे, कहाँ भाग रही है? अरे यार, तो बहुत तेज़ है। अरे कहाँ भाग जा रही है? अब ब्रूनो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे लीश से बांध के रखा है। अरे यार कहाँ गया? अरे ये रहा गाइस, कहाँ गया वो? ओके, वो तो पानी में कूद गया है। अब पानी में तो हम इसे मार ही देंगे। कम ऑन। ओके, मार दिया, पर हम लोग को कुछ एक्सपी वगैरह नहीं मिला ना, तो कुछ न्यू रेसिपीज अनलॉक हुई। खैर, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि माइनिंग करते हैं कोई अच्छी केव वगैरह को खोज के। क्या जी वाला फूल मेरे पास पहले आया नहीं है? और हाँ, जैसा मुझे लग ही जाता है नई रेसिपी अनलॉक हुई है पिंक डाई की। खैर, बाकी के फूल तो मैंने बहुत बार लिए। ओके गाइस, वहाँ पे एक केव दिख रहा है मुझे, पर मैं जाऊँ कैसे वहाँ तक? समझ समझ के कदम रखना पड़ेगा गाइस, वरना अगर गिर जाएंगे ऐसे ही तो ब्रूनो को भी लगेगा गाइस। अब ब्रूनो की एचपी बहुत कम हो गई है। सही है, मीट खिला देते हैं। हाँ ब्रूनो ठीक है, अब इसे लीश से बांध देते हैं। अच्छा ब्रूनो। ओके गाइस, बारिश भी शुरू हो चुकी है, और बारिश शुरू हो गई है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी गाइस। ओके, ये ब्लू वाला फूल मुझे पहले मिला नहीं है। खैर, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक ट्री हाउस बनाते हैं या फिर ये वुडन ब्लॉक्स से कोई घर बनाते हैं। मुझे लगता है कि ट्री हाउस बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी हम लोग को मॉब्स वगैरह से। तो हम लोग वहाँ तक एक घर बनाते हैं ये वाले ब्लॉक्स से और कॉबल स्टोन। ओके गाइस, तो अभी तक मैंने कुछ ऐसा घर बनाया है, ट्री हाउस बनाया हम लोगों ने, और यहाँ पर मैं इसके बाउंड्री पे भी कॉबल स्टोन रख देता हूँ ताकि ब्रूनो कूद ना जाए यहाँ से। कॉबल स्टोन तो ख़त्म हो गए, और मेरे पास ये बर्च लॉग है जिससे मैं ये बर्च प्लैंक्स बना देता हूँ, और इसके तो बटन से बनेगा इस। खैर, तो ये बर्च ब्लॉक्स को भी लगा दे बर्च प्लैंक्स को भी लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कवर करने के लिए। ओके, तो हम लोग का घर बन चुका है गाइस। यहाँ पे अभी हम लोग बेड रख देते हैं। यहाँ पे तो नहीं होगा, मुझे इसके लिए दो ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक बर्च प्लैंक लगा देते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग का यहाँ बैटरी हाउस बन चुका है, और अभी हम सो तो नहीं सकते क्योंकि रात हुई नहीं है। ओके, तो ब्रूनो को अभी हम लोग इधर रख देते हैं ताकि वो गिर ना जाए वहाँ से। ओके गाइस, तो मेरा प्लान ये है कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी और अगर दिन में टाइम होगा तो हम लोग जाके माइनिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो वह हम लोग सो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी और टाइम बचा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग को सोना ही पड़ेगा, रात का वेट करना होगा हम लोग को।
ओके गाइस, तो बारिश फाइनली रुक चुकी है, इसलिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि ब्रूनो के साथ जा रहा हूँ मैं माइनिंग करने के लिए। तो आ जा ब्रूनो। सॉरी 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 ब्रूनो, मैं गलती से किया, मैं जाऊँ से मेरा कोई इरादा नहीं था, सॉरी ब्रूनो। ओके तो अभी हम लोग ब्रूनो को साथ में लेकर जाएंगे क्योंकि उससे अकेले तो नहीं रह सकते गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग शुरुआत किधर से करें। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे वो जो कॉल है तो उस शुरुआत उधर से ही करते हैं। ओके तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ कॉल तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बस एक ही कॉल का ब्लॉक था। व्हाट, यहाँ पे थोड़े बहुत और कॉल्स तो होने चाहिए, टाइम वेस्ट हो गया गाइस मेरा इतना सारा। खैर तो फिर दिन ख़त्म होने को आया, शाम हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ अभी हम अपने ट्री हाउस पे ब्रूनो के साथ, और फिर हम लोग अगली सुबह से ही एकदम माइनिंग में लग जाएंगे। और अभी तो पहले सबसे पहले ट्री हाउस में जाते हैं हम लोग। ए ब्रूनो क्या कर रहा है? ओके तो अभी हम लोग हमारे ट्री हाउस पे पहुँच चुके हैं और ब्रूनो भी आ गए इधर। तो अभी मैं ब्रूनो को अनलीश कर देता हूँ ताकि वो आराम से रह पाए, और उसकी लीश ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं ताकि बाद में ब्रूनो गिर ना जाए। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो गाइस, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। खैर तो आई थिंक अभी रात हो चुकी है और ब्रूनो को बैठा देते हैं हम लोग। ओके तो ये वाला दिन भी ख़त्म हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन आ चुका है, और गाइस मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ चीज़ें नहीं है गाइस ताकि मैं यहाँ पे माइनिंग कर पाऊँ। जैसे टॉर्चेस वगैरह तो लाया ही नहीं हूँ मैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि अभी मैं ब्रूनो के साथ घर चले जाता हूँ और फिर वहाँ से बाकी के सारे चीज़ें ले लूँगा जो कुछ भी चाहिए होगा, जैसे कि और ब्लॉक्स या फिर टॉर्चेस वगैरह वो सब, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने ताकि बाद में कोऑर्डिनेट्स पता रहे। अरे ब्रूनो आ जा, ओह शिट मुझे डर लग रहा है ब्रूनो गिर ना जाए। ओके तो ब्रूनो को ले थे हम लोग। अरे ओके तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मुझे बस डर लग रहा ब्रूनो ना गिर जाए। क्या करें अब, ब्रूनो हमारे पीछे आ जाएगा। हाँ तो ब्रूनो समझदार है गाइस। तो मैं अभी अपने ट्री हाउस को इधर ही रहने देता हूँ क्योंकि बाद में तो गाइस हम लोग को इधर वापस आना ही है माइंडिंग वगैरह करने के लिए, तो इसलिए मुझे फिर से ना बनाना पड़े। और ब्रूनो के साथ हम लोग अभी घर जाते हैं गाइस। गाइस वैसे मुझे जहाँ तक याद है कोऑर्डिनेट्स कुछ 600 के आसपास थे, और तो वह अभी हम लोग जाते हैं वहाँ तक, देखते हैं क्या होता है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था मैंने, इसलिए अगर याद नहीं होगा कोऑर्डिनेट्स तो फिर मैं स्क्रीनशॉट देख लूँगा एक बार। ओके गाइस तो हम लोग को हमारा घर दिख रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा गाइस मेरे घर को खोजने के लिए। तो फिर अभी हम लोग सबसे पहले घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सामान है अपने पास। और मैंने वो आलू को भी पकने के लिए रखा था तो शायद से वो पक चुके होंगे, लेकिन गाइस मुझे सच में अभी देखना पड़ेगा कि फार्मिंग कैसे ठीक से करते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग माइनिंग भी करेंगे और थोड़ी बार फार्मिंग भी करेंगे गाइस। तो फिर ये रहा हम लोग का घर, और मैंने ये पहले जो टावर से ये बैनर चुराया था। आ जाए ब्रूनो, गाइस हम लोग का घर आ चुका है इधर। ओके तो ब्रूनो को सबसे पहले हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पे। ओके तो अभी हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत कैरेट वगैरह। और गाइस लेकिन अभी तक हम लोग वो आलू पक ही रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फूल पौधे हैं तो इन्हें यहाँ पे रख देते हैं। अरे ब्रूनो कहाँ जा रहा है? अरे ब्रूनो आ जा अंदर, कहाँ जा रहा है? चलिए गए ब्रूनो, गुड बाय ब्रूनो। ओके तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक नई पिकैक्स बना लेते हैं, मेरे पास आयरन इंगट भी है। ओके लेकिन मेरे पास अभी स्टिक नहीं है तो मुझे स्टिक बनाना पड़ेगा, पहले से ले लेते अपने पास।
मिस्टेक इधर से ही बना देते शायद, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं गाइस, स्टेक तो इधर से नहीं बन रहा, तो क्राफ्टिंग टेबल से ही बना लेते। हाँ ये रहा स्टेक, चार चार ही बना लेते, अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ओके तो पिकैक्स, अभी पिकैक्स ही बनाएंगे हम लोग, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है मुझे। एक ही बनाएंगे और बाकी को अभी मैं रहने देता हूँ, ज़्यादा कुछ बना नहीं सकता मैं। टॉर्च भी बना लेते हैं, ठीक है। तो स्पॉट वगैरह की ज़रूरत तो है नहीं मुझे अभी, और अभी मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे घर को। ये बटन लगा देते हैं यहाँ बाजू में, बाहर बटन लगा लिया, इधर भी लगा देते हैं, और अब हम लोग इसी को यूज़ करके दरवाज़ा खोलेंगे और बंद करेंगे। और देखता हूँ कि क्या काम का है मेरे पास। एक पोशन भी है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। शायद से हमारे आलू हो गए। हाँ गाइस, तो आलू हो चुके हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये आलू को पहले अपने पास रख लेते हैं, और ये पोक पोक को पका लेते हैं। हाँ तो पोक चॉप बन रहा अभी हमारा, और वैसे भी ख़तरनाक बारिश भी हो रही है गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉपर को भी, इसको भी हम लोग मेल्ट कर देते हैं, ताकि बाद में हम लोग उससे चीज़ें बना पाए। और ब्रूइंग स्टैंड का भी कोई यूज़ नहीं है गाइस मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है ना ग्लास बॉटल्स, इसीलिए। ओके गाइस, तो बहुत रात हो चुकी है, इसलिए अभी मैं सो जाता हूँ। ओके गाइस, तो सुबह हो चुकी है और नई सुबह है, तो फिर बाहर जाकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है, और लगता है कि बारिश अभी अभी रुकी है। गाइस वहाँ पे क्रीपर है, तो क्रीपर से थोड़े पंगे लेते हैं। आजा आजा क्रीपर, मैं डरता नहीं उससे। वो शिट, कैसे तो मजाक कर रहा था। ब्रूनो क्या कर रहा है? हर्ष पता नहीं, वो बच गए। जल्दी कर ब्रूनो, क्या कर रहा है? उससे दूर रहे। नहीं, गाइस। ओह शिट गाइस, गाइस देखना पड़ेगा कि ब्रूनो जिंदा है या नहीं। मैं बाकी का सामान तो मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन जल्दी से अभी देखते हैं कि ब्रूनो जिंदा है या मर गया। देखिए मैं सोच रहा हूँ क्रिएटिव मोड में जाते हैं, क्योंकि वो क्रीपर वहाँ पे होगा, इसलिए और ख़तरा है। हाँ क्रिएटिव मोड में हो चुका है, और जल्दी से जाके ब्रूनो को बचाते हैं। गाइस वहाँ पे वो क्रीपर तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ब्रूनो नहीं दिख रहा। गाइस कहाँ गया ब्रूनो? गाइस गाइस ये ब्रूनो, फाइनली लेट्स गो, ब्रूनो जिंदा है। अभी इस क्रीपर की खबर देता हूँ मैं। ब्रूनो तो रुक, तेरा बदला लेता हूँ मैं अभी। क्या अभी क्रीपर ब्रूनो का मारना चाहता था, खुद मर गया ना? आइंदा वापस मत आना। चल ब्रूनो वापस आ जा घर पे। गाइस ब्रूनो बाल बाल बचा, लेकिन उसके बचने का चांस ही नहीं था, लेकिन उसकी फुल एचपी थी इसलिए बच गया वो। अरे ब्रूनो वापस आ जा। गाइस लगता है ब्रूनो को लीश से ही मारना पड़ेगा। आ जा ब्रूनो। हाँ ओके, तो ब्रूनो भी घर पे आ चुका है अभी, और अभी मैं देखता हूँ कि क्या करने का है। पहले ब्रूनो को अनलीश करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग को सर्वाइवल मोड में भी जाना है, अभी क्रिएटिव में हूँ मैं इसीलिए। और हाँ अभी हम लोग सर्वाइवल मोड में, तो फिर आई थिंक कि वीडियो को इधर ही एंड कर देना चाहिए गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना गाइस मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट लेने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।